हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज फार्माको थेरेप्यूटिक्स इन ऑब्स्टेट्रिक्स का अगला हमारा टॉपिक होगा। पहले हमने इसका ऑक्सीटोसिन पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे इसका एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी। तो एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी में कुछ कैटेगरीज रखी गई हैं ड्रग्स की जो प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाती हैं। जैसे कि फर्स्ट है सिम्फेटोमाइमेटिक्स, इसके अंदर मिथाइल डोपा एंड रिस्प्रामाइन, ये दो टेबलेट इसमें सिम्फेटोमाइमेटिक्स में दी जाती हैं। और सेकंड कैटेगरी है एड्रिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट, इसमें लेबिटोलोल और प्रोपेनोलोल ये मेडिसिन रखी गई हैं। और थर्ड हमारा है वेजो डायलेटर्स, तो वेजो डायलेटर्स में हाइड्रालाजिन, प्राजोसिन एंड सोडियम नाइट्रोफ्रूसाइड देते हैं, ठीक है। फोर्थ है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, इसमें निफिडिपिन एंड निकार्डिया को रखा गया है। फिफ्थ है एंजियोटेंसिव कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल, ठीक है। तो इन ड्रग्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मिथाइल डोपा, तो जो मिथाइल डोपा है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, कि ये सबसे पहले तो ड्रग ऑफ चॉइस है या फिर फर्स्ट लाइन ड्रग है जो मोस्ट कॉमनली प्रेग्नेंट वुमेन में यूज की जाती है, ठीक है। ये एक सेफेस्ट ड्रग भी इसको मान सकते हैं, ठीक है, बोथ मदर और फीटस दोनों के लिए, ठीक है। और ये क्या होती है, सेंट्रल और पेरिफेरल एंटी एड्रिनर्जिक एक्शन करती है ये, ठीक है। इफेक्ट एंड सेफ फॉर मदर एंड फीटस। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है इसका, कि किस किस में नहीं देते, हेपेटिक डिसऑर्डर्स में इसको नहीं देते, साइकिक पेशेंट में इसको नहीं देते, और CCF में कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर वाली पेशेंट में इसको नहीं देते हैं, ठीक है। उसके बाद में डोज, तो डोज इसकी ओरली 250 mg BID दे सकते हैं, और इस डोज को इंक्रीज भी कर सकते हैं 1 ग्राम TID तक, ठीक है। उसके डिपेंड अपॉन द रेस्पॉन्स, मतलब रेस्पॉन्स पे डिपेंड है कि ड्रग्स इस डोज का कितना इफेक्ट आ रहा है, उस अकॉर्डिंग हम डोज को बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद में IV इन्फ्यूज़न इसका दे सकते हैं 250 to 500 mg, ठीक है। अब इसके कुछ साइड इफेक्ट देखते हैं, तो सबसे पहले मैटरनल साइड इफेक्ट क्या होते हैं इसके, पोस्टुरल हाइपोटेंशन हो सकता है, हीमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, सोडियम रिटेंशन हो सकता है, एक्सेसिव सेडेशन हो सकता है, कुंभ टेस्ट में भी पॉजिटिव हो सकता है, और फीटल में क्या हो सकता है, इंटेस्टाइनल इलियस फीटस में हो सकता है, ठीक है। अब इसके कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट हम देख लेते हैं, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम असेस करते हैं पेशेंट का जो वाइटल्स हैं उनको असेस करते हैं, ठीक है, और ब्लड वैल्यू को असेस कर सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स प्लेटलेट्स को असेस कर सकते हैं, रिनल स्टडी कर सकते हैं, प्रोटीन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन क्रिएटिनिन वगैरह असेस करते हैं, LFT असेस करते हैं, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट देने से पहले, ट्रीटमेंट के दौरान हम ये सब चीज़ें असेस करते हैं, ठीक है। BP चेक करेंगे हम बिफोर बिगनिंग ट्रीटमेंट, ठीक है, और पीरियोडिकली आफ्टर देयर। उसके बाद में परफॉर्म या प्रोवाइड क्या करते हैं, कैसे करते हैं टेबलेट को, कि जो ये टेबलेट का स्टोरेज है वो टाइट कंटेनर में रख किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में इवालुएट क्या क्या करते हैं हम, कि थेरेप्यूटिक रेस्पॉन्स कितना आ रहा है मेडिसिन का, BP लो हुआ है कि नहीं हुआ है पेशेंट का, कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, रैशेस तो नहीं हो रहे, फीवर प्रुराइटिस यूर्टिकेरिया तो नहीं हो रहा है, और कोई कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं, जैसे कि डीमा डिजनिया या क्रिपिटेशन तो नहीं हो रहा है, रिनल सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं, जैसे पोलियूरिया, ओलिगो यूरिया, फ्रिक्वेंसी कितनी है यूरिन की, तो ये सब हम इवालुएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी फैमिली को
कुछ टीच करते हैं हम, ठीक है, उसको उसको कुछ बताते हैं, जैसे कि अवॉइड हैजार्डियस एक्टिविटीज, ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेशन मेडिसिन 1 आवर बिफोर मील्स, ठीक है, और मेडिसिन को डिसकंटिन्यू नहीं करना है, ठीक है, बिना डॉक्टर की परमिशन के, क्योंकि विड्रॉल सिम्टम्स आ सकते हैं, ठीक है, और कोई भी और अदर काउंटर मेडिसिन यूज नहीं करना है बिना डॉक्टर की परमिशन के, ठीक है, और जो और कोई भी कंप्लेन है जो ड्रग्स ले रही है उसके लिए कोई और कंप्लेन है तो वो उनका भी ध्यान रखें, तो वो भी उस डॉक्टर को इन्फॉर्म कर सकती है, ठीक है, और टू राइज स्लोली टू सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोजिशन टू अवॉइड ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, ठीक है, और डू नॉट मिस द ड्रग्स, ठीक है, ड्रग को मिक्स नहीं करना है, ठीक है, बिना डॉक्टर की परमिशन के ड्रग को बंद नहीं करना है, ठीक है, तो ये सब नर्सिंग केयर हम देंगे इसमें। सेकेंड ड्रग देखते हैं लेबिटोलॉल, तो लेबिटोलॉल में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि ये अल्फा एंड बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स जो होते हैं, ब्लॉकर एजेंट होते हैं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इसमें, ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होते हैं इसके, हेपेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन में, ठीक है, लीवर डिजीजेस हो सकती है, ठीक है, डोज क्या करेंगे हम इसका, इसकी ओरली 100 mg TID दे सकते हैं या फिर इसको बढ़ा के 800 mg डेली तक भी दे सकते हैं, IV इन्फ्यूज़न कर सकते हैं, हाइपरटेंसिव क्राइसिस के दौरान IV इन्फ्यूज़न किया जा सकता है, जैसे एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया के दौरान IV इन्फ्यूज़न कर सकते हैं 1 to 2 mg पर ml अंटिल डिजायर्ड इफेक्ट, मतलब जब तक उसके डिजायर इफेक्ट नहीं आ जाते हैं ड्रग के, जब तक उसको 1 to 2 mg पर ml उसको ड्रग को हम देते रहते हैं, और कब तक देते हैं, जब तक कि डोज 300 mg तक नहीं पहुंच जाती है, जब तक हम दे सकते हैं ड्रग को, ठीक है। इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, ही एक्सपीरियंस इज लेस कम्पेयर टू मिथाइल डोपा इफिकेसी एंड सेफ्टी विद शॉर्ट टर्म यूज, ठीक है, appear equal to methyl dopa, ठीक है। इसके बाद में इसकी नर्सिंग केयर देखते हैं, तो लेबिटोलॉल की नर्सिंग केयर के लिए हम पेशेंट का में नर्सिंग केयर में क्या क्या करते हैं, पेशेंट का इनटेक आउटपुट डेली चेक करते हैं, वेट डेली लेते हैं, ठीक है, रेगुलर BP चेक करते हैं, पल्स चेक करते हैं, ठीक है, और ड्रग्स देने से पहले पल्स चेक करना जरूरी होता है, ठीक है, और ओरली बिफोर फूड इसको दे सकते हैं, और एट स्लीप के टाइम पे भी इसको दे सकते हैं, ठीक है, और जब IV दिया जाता है तो पेशेंट को 3 आवर्स तक लेटे रहने के लिए बोला जाता है, और इस ड्रग का स्टोरेज कहाँ करते हैं, ड्राई एरिया में इसका, और रूम टेम्परेचर पे इस ड्रग का स्टोरेज किया जाता है, ठीक है। इवैल्यूएट क्या करते हैं कि थेरेप्यूटिक रेस्पॉन्स देखते हैं पेशेंट का, BP डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, BP डिक्रीज आफ्टर 1 to 2 weeks, ठीक है, और इडिमा इन फीट एंड लेग्स को असेस करेंगे, और स्किन टर्गर है या फिर ड्राइनेस हो रही है, म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो सकता है तो वो भी असेस करेंगे, ठीक है, और जो क्लाइंट्स या फिर उसकी फैमिली है उसको हम टीच करेंगे कि वो ड्रग को कंटिन्यू नहीं करें बिना डॉक्टर की परमिशन के, ठीक है, और क्योंकि इसको टेपर किया जाता है ओवर 2 वीक के टाइम तक, इसको टेपर करके उसके बाद में स्टॉप किया जाता है, ठीक है, और अगर कोई ब्रेडिकार्डिया, डिजीनेस, कंफ्यूजन या डिप्रेशन जैसा कोई सिम्टम्स उसको दिखाई दे रहा है तो वो तुरंत रिपोर्ट कर सकती है, ठीक है, और अवॉइड अल्कोहल स्मोकिंग एंड एक्सेसिव सोडियम इनटेक, ठीक है, और मेनली बेड टाइम पे इस मेडिसिन को दे सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन है उसका उस इफेक्ट है उसको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। अब नेक्स्ट ड्रग्स पढ़ते हैं, प्रोपेनोलोल, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, बीटा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स होती है ये, ठीक है, इसमें क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होते हैं इसके,
ब्रोंकियल अस्थमा रीनल, मतलब ये प्रोपेनॉल मेनली, मतलब इसको अवॉइड करना ही, प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करना ही बेटर रहता है इस ड्रग को, ठीक है। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या होते हैं, ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है, रीनल इनसफिशियंसी में ये ड्रग्स नहीं देते हैं, कार्ड डायबिटीज़ में नहीं देते हैं, कार्डिक फेलियर में नहीं देते हैं, ठीक है। और ड्रग इज बेटर अवॉइड फॉर लॉन्ग टर्म थेरेपी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। डोज इसकी क्या देते हैं, ओरली 80 to 120 mg इन डिवाइडेड डोजेज में इसको दिया जाता है। इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, मेटरनल साइड इफेक्ट होते हैं कुछ तो, सीवियर हाइपोटेंशन होता है, सोडियम रिटेंशन हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया, ब्रोंकोस्पाज्म, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। और फीटल फेस पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ब्रेडिकार्डिया, इम्पेयर्ड फीटल रेस्पॉन्स, ठीक है, टू हाइपोक्सिया एंड IUGR हो सकता है, ठीक है, फर्स्ट या सेकेंड ट्राइमेस्टर में। नियोनेट में क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है नियोनेट में, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट ड्रग है अपनी प्राजोसीन, तो प्राजोसीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, सिलेक्टिव पोस्ट सिनेप्टिक ब्लॉकर्स, डिक्रीज प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटी, ठीक है, रिड्यूस कार्डियक प्रीलोड एंड आफ्टर लोड। ठीक है, तो ये पोस्ट सिनेप्टिक ब्लॉकर्स होती हैं जो कि डिक्रीज करती हैं प्लाज्मा रेनिन एक्टिविटीज को, ठीक है, जिसकी वजह से और क्या वो करती है, ये जो कार्डियक का प्रीलोड और आफ्टर लोड को भी रिड्यूस करती है, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या हो सकता है, किस किस में नहीं देते, लो फर्स्ट डोज नहीं देते टू अवॉइड हाइपोटेंशन एंड सिनोप्स, मतलब फर्स्ट डोज जो देंगे उसकी वो लो देंगे, ठीक है, सबसे पहले लो डोज देंगे इसकी ताकि हाइपोटेंशन और सिनोप्स को अवॉइड किया जा सके। और उसके बाद में डोज क्या देते हैं इसकी, ओरली 1 mg BD देते हैं, मे बी इंक्रीज अप टू 20 mg per day, ओके। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट, तो साइड इफेक्ट क्या होते हैं इसके, हाइपोटेंशन हो सकता है, नेजल कंजेशन हो सकता है, फ्लूड रिटेंशन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में हमारी नेक्स्ट ड्रग है हाइड्रालाजिन, तो हाइड्रालाजिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, एंटीरियर वेजो डायलेटर, ठीक है, आर्टीरियल वेजो डायलेटर, तो ये आर्टीरियल वेजो जो आर्टीरियल पेरिफेरल वेजो डायलेटर करती है, ये डायरेक्टली एक्ट करती है कि जो पेरिफेरल आर्टरी है उनको वेजो डायलेटर करती है, ठीक है। और ये पेरेंट्रल थेरेपी के रूप में इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है, और ये प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया में भी इसको यूज किया जा सकता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं इसके, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में बिकॉज ऑफ वेरिएबल सोडियम रिटेंशन डायूरेटिक्स शुड बी अवॉइड, ठीक है, तो डायूरेटिक्स को इसमें अवॉइड करना है। डोज क्या होते हैं इसके, ओरली 100 mg per day इन 4 divided doses, तो 100 mg per day इसको देते हैं इन 4 divided doses में, ठीक है। आईवी इसको देते हैं 5 mg bolus देते हैं, फॉलोड बाय 25 gram इन 200 ml NS एट द रेट ऑफ 2.5 mg per hour टू बी डबल्ड एवरी 30 मिनट, ठीक है। तो इसको आईवी कैसे देते हैं कि जो 25 ग्राम इस ये ड्रग लेके 200 ml में NS में डाल के और 5 mg bolus दिया जाता है, किस रेट पे दिया जाता है, 2.5 mg per hour पे इसको दिया जाता है और एवरी 30 मिनट पे इस डोज को डबल की कर दिया जाता है। साइड इफेक्ट क्या होते हैं इसके, मैटरनल साइड इफेक्ट क्या होते हैं, जैसे कि हाइपोटेंशन हो सकता है मदर में, टेकीकार्डिया हो सकता है, ठीक है, और एरिथमिया हो सकता है, पाल्पिटेशन या लूपस लाइक सिंड्रोम हो सकता है। फीटस में क्या होता है, रीजनेबली सेफ होती है ये फीटस में,
नियोनेट में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कर सकता है नियोनेट में, ठीक है। तो इसकी इसका नर्सिंग एक्शन क्या करेंगे हम, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो बीपी चेक करेंगे एवरी 15 मिनट, ठीक है। इनिशियली फॉर 2 आवर्स तक एवरी 15 मिनट तक हम बीपी चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद में 2 आवर्स के बाद में एवरी 4 आवरली बीपी चेक करेंगे, ठीक है। और ब्लड स्टडीज भी कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट, सीबीसी, सीरम ग्लूकोज, ये सब हम देख सकते हैं। पल्स एवरी 4 आवरली चेक करना है, इनटेक आउटपुट चार्टिंग करनी है, वेट डेली करना है पेशेंट का, और उसके बाद में जो ये ड्रग्स देने के बाद में हो सके तो पेशेंट को रिकमेंड पोजीशन में रखा जाता है, ठीक है। और ये जो ड्रग है उसको एडमिनिस्टर करने के बाद में 1 आवर तक रिकमेंड पोजीशन में पेशेंट को रख सकते हैं। उसके बाद में इवैल्यूएट में क्या क्या करते हैं, इडिमा देखते हैं पेशेंट के फीट में या लेग्स में इडिमा तो नहीं है, डेली चेक करते हैं वो, ठीक है। स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रहा है तो वो देखते हैं, रेल डिजनिया ऑर्थोपनिया देखते हैं, जॉइंट पेन तो नहीं हो रहा है, टैकीकार्डिया पाल्पिटेशन हेडेक नोजिया तो वो सब देखते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्लाइंट एंड फैमिली को टीच करते हैं कि वो जो ड्रग है उसको अनकंटिन्यू नहीं करें, एकदम से बंद ना करें, और अगर कोई दिक्कत हो रही है जैसे चेस्ट पेन हो रहा है, सीवियर फैटिग है, मसल्स या जॉइंट पेन हो रहा है तो तुरंत फिजिशियन को नोटिफाई करें। उसके बाद में नेक्स्ट ड्रग देखते हैं अपन निफिडिपिन। तो निफिडिपिन में का मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, डायरेक्टली एट्रिडियल वेजो डायलेटर्स करती है ये, ठीक है। और डोज इसकी क्या होती है, ओरली 5 to 10 mg TID इसको देते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या हो सकता है इसका, किसी में नहीं देते हैं, साइमल्टेनियसली यूज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट कुड बी हैजार्डस ड्यू टू सिनर्जिक इफेक्ट, मतलब मैग्नीशियम सल्फेट के साथ में इस ड्रग निफिडिपिन को नहीं देते हैं, ठीक है, नहीं तो ये सिनर्जिक इफेक्ट कर सकती है। साइड इफेक्ट क्या होते हैं इसके, फ्लशिंग हो सकती है, हाइपोटेंशन, हेडेक, टैकीकार्डिया, इनहिबिशन ऑफ लेबर हो सकता है, ठीक है। निफिडिपिन के नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या करते हैं हम कि जो एसेस करेंगे हम ड्रग्स का ब्लड में क्या लेवल है, ठीक है, ब्लड लेवल ऑफ ड्रग्स देखते हैं, तो थेरेप्यूटिक लेवल होना इसका ड्रग्स का होना चाहिए 0.025 to 0.1 माइक्रोग्राम/ml इसका थेरेप्यूटिक लेवल होता है ब्लड में, ठीक है। और इसको बिफोर मील या फिर एट द स्लीप टाइम इसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें इवैल्यूएट करते हैं जैसे थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स को देखते हैं कि बीपी कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कार्डिक स्टेटस देखते हैं पेशेंट का, बीपी पल्स चेक करते हैं, रेस्पिरेशन चेक करते हैं और ईसीजी चेक करते हैं। और क्लाइंट्स और उसकी फैमिली को कुछ हम टीच करते हैं जैसे कि कैफीन का लिमिट में यूज करें, जैसे कॉफ़ी वगैरह का लिमिट में यूज करें, ठीक है। और कोई भी अदर ड्रग्स लेनी है तो फिजिशियन को पहले इन्फॉर्म करें, ठीक है। तो ये सब हो गया इसका नर्सिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट ड्रग देखते हैं सोडियम नाइट्रोफ्लूसाइड। तो सोडियम नाइट्रोफ्लूसाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, डायरेक्टली वेजो डायलेटर, ये भी डायरेक्टली वेजो डायलेटर करती है। डोज इसकी क्या है, ओरली 6.25 BID इसको देते हैं। साइड इफेक्ट क्या है, मैटरनल नोजिया एंड वोमिटिंग करती है। एंड फीटस में क्या साइड इफेक्ट करती है, ओलिगोहाइड्रामिनोज कर सकती है, IUGR कर सकती है और फीटल एंड नियोनेटल रीनल फेलियर कर सकती है। इसका नर्सिंग मैनेजमेंट हम देखें तो नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले हम एसेस करेंगे सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स को एसेस करेंगे और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन को एसेस करेंगे, क्रिएटिनिन को एसेस करेंगे, हेपेटिक फंक्शन को एसेस करेंगे जैसे कि AST, ALT, एल्कलाइन फॉस्फेट को एसेस करेंगे, BP और ECG चेक करेंगे पेशेंट का, वेट डेली करेंगे, इनटेक आउटपुट चेक करेंगे। और उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं सोडियम नाइट्रोफ्लूसाइड का, तो
इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ओनली सिरिंज पंप से ही इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और इसकी जो बोतल है, मतलब जिस बोतल में ये ड्रग्स आती हैं, उस बोतल को एल्यूमिनियम फॉइल से कवर किया जाता है ताकि वो उसका लाइट से उसको प्रोटेक्ट हो सके, ठीक है। तो डायरेक्टली लाइट में इसको, या फिर डायरेक्टली जो भी मतलब रोशनी में इसको, इस ड्रग को नहीं रखते हैं, इसके बोतल को एल्यूमिनियम फॉइल से रैप किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद में इवैल्यूएट करते हैं, थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स पे इवैल्यूएट करते हैं, बीपी डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और लेग्स और फीट्स में इडिमा है कि नहीं है, ठीक है। हाइड्रेशन स्टेटस क्या हो रहा है पेशेंट का, तो वो सब हम असेस करते हैं। उसके बाद में नाइट्रोग्लिसरीन, तो नाइट्रोग्लिसरीन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, रिलीज मेनली वेनस बट आल्सो आर्टेरियल स्मूथ मसल्स, ठीक है। डोज क्या होती है इसकी, गिव एन आईवी इन्फ्यूजन 5 माइक्रोग्राम पर मिनट, ठीक है, टू बी इंक्रीज एट एवरी 3 to 5 मिनट एंड अप टू 100 माइक्रोग्राम पर मिनट, ठीक है। तो इस डोज को सबसे पहले 5 माइक्रोग्राम पर मिनट पे इसको स्टार्ट करके धीरे धीरे डोज को बढ़ाते हैं 3 to 5 मिनट में, और 100 माइक्रोग्राम पर मिनट तक डोज को बढ़ा सकते हैं। इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, टेकिकार्डिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, और हीमोग्लोबिनेमिया हो सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारी ड्रग है डायूरेटिक्स। तो डायूरेटिक्स में डायूरेटिक्स आर यूज इन फॉलो कंडीशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। इन कंडीशन में प्रेगनेंसी के दौरान यूज कर सकते हैं, अगर प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है विद मैसिव एडिमा, ठीक है, और एक्लेम्सिया है विद पल्मोनरी एडिमा, अगर सीवियर एनीमिया इन प्रेगनेंसी है विद कार्डियक फेलियर, ठीक है, प्रायर टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन सीवियर एनीमिया, फिर सीवियर एनीमिया में अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो भी डायूरेटिक्स का यूज करते हैं, एज पर एडजंक्ट टू सर्टेन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग सच एज हाइड्रोलाजिन और ट्राइक्सिन, ठीक है। फ्रूसेमाइड, अब डायूरेटिक्स में टाइप देखते हैं इसका, फ्रूसेमाइड। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है इसका, एक्ट ऑफ लूप ऑफ हेलेन बाय इंक्रीजिंग एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड, ठीक है। तो ये डायरेक्टली एक्ट करती है लूप ऑफ हेलेन पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि सोडियम है और क्लोराइड है उसका एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। उसकी डोज देते हैं 40 mg टेबलेट देते हैं डेली फॉलोइंग ब्रेकफास्ट 4-5 days, ठीक है, ब्रेकफास्ट के बाद में 5 days तक देते हैं 40 mg की टेबलेट एक वीक तक। अगर एक्यूट कंडीशन है तो उसमें पेरेंटली भी फ्रूसेमाइड का यूज किया जाता है, जैसे कि 40 to 120 mg डेली, तो पेरेंटली और ओरली दोनों तरह से फ्रूसेमाइड का यूज किया जाता है, ठीक है। फ्रूसेमाइड एक लूप डायूरेटिक होती है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं इसके, हाइपर सेंसिटिविटी इसमें हो सकती है, और हाइपर सेंसिटिविटी में इसको नहीं देते हैं, ठीक है। और जो साइड इफेक्ट है वो मदर पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसका, मदर की वीकनेस हो सकती है, फैटिक हो सकता है, मसल्स क्रैम्प हो सकते हैं, हाइपोकैलेमिया हो सकता है, हाइपोनेट्रेमिया हो सकता है, हाइपोकैलेमिया दो बार हो सकता आ गया, तो सोडियम की कमी एंड पोटेशियम की कमी दोनों हो सकती है। हाइपोनेट्रेमिया मीन्स सोडियम की कमी होना ब्लड में, और हाइपोकैलेमिया मीन्स पोटेशियम की ब्लड में कम होना, और हाइपोक्लोरेमिया एल्कलोसिस हो सकता है, पोस्टुरल हाइपोटेंशन हो सकता है, ठीक है। फीटस में इसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं, फीटल कॉम्प्रोमाइज ड्यू टू डिक्रीज प्लासेंटल परफ्यूजन, ठीक है। तो प्लासेंटल परफ्यूजन अगर डिक्रीज होगा, क्योंकि डायूरेटिक्स के कारण ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाता है, तो हो सकता है प्लासेंटल परफ्यूजन कम हो, तो उसकी वजह से फीटल कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है फीटस में, और हाइपोनेट्रेमिया हो सकता है।
करेंगे हम कि पेशेंट का डेली वेट चेक करेंगे, ठीक है, इनटेक आउटपुट चेक करेंगे पेशेंट का, ठीक है, इनटेक आउटपुट डेली करेंगे पेशेंट का जब तक ये मेडिसिन चलती है, और उसका रेस्पिरेटरी चेक करेंगे, रेट, डेप्थ, रिदम चेक करेंगे, और बीपी चेक करेंगे, उसका लाइंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन दोनों में उसका बीपी लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करेंगे, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, ठीक है, ब्लड शुगर लेंगे, सीबीसी करेंगे, सीरम क्रिएटिनिन करवा सकते हैं उसका, ब्लड पीएच करवा सकते हैं, ठीक है, एबीजी करवा सकते हैं, और अगर ग्लूकोज इन यूरिन है, अगर प्रेजेंट आ रहा है तो पेशेंट डायबिटिक हो, ठीक है, और उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, तो जो रात के टाइम पे है, ठीक है, ड्यूरिंग नाइट, तो इसका अवॉइड, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि पेशेंट की स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, तो उसको दिन के टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में इसको इसका देते हैं ड्रग को, और पोटेशियम रिप्लेसमेंट करते हैं, क्योंकि अगर पोटेशियम का लॉस हो रहा है तो पोटेशियम रिप्लेसमेंट किया जाता है, ठीक है, और इसके साथ साथ वो क्या करते हैं, वो इवैल्यूएट करते हैं पेशेंट को, ठीक है, कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसमें, तो एडिमा, अगर उसके फीट, लेग, सेक्ट्रल एरियाज में एडिमा था तो उसमें इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है, ठीक है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साइन देखते हैं, जैसे कि ड्रोजीनेस है या रेस्टलेसनेस हो रहा है कि पेशेंट, ठीक है, हाइपो कैल्शियम या जैसे ब्लड में कैल्शियम की कमी है तो उसके साइन देखते हैं, तो पोस्टुरल हाइपोटेंशन देखते हैं, मलेस, फेटिग, टैकीकार्डिया, लेग क्रैम्प, तो ये सब हम देखते हैं, ठीक है, और रेसेस और टेम्परेचर एलिवेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये सब हम देखते हैं, टीच पेशेंट और फैमिली को क्या टीच करते हैं, तो उसको फ्लूड इंटेक ज़्यादा लेना है, 2-3 लीटर पर डे, ठीक है, अगर मतलब अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है तो फ्लूड उसको 2-3 लीटर पर डे उसको लेना है, ठीक है, और टू राइज स्लोली फ्रॉम लाइंग एंड सिटिंग पोजिशन, ठीक है, टू अवॉइड पोस्टुरल हाइपोटेंशन, अगर कोई एडवर्स रिएक्शन आ रहा है तो उसको तुरंत रिपोर्ट करना है, जैसे कि मसल क्रैम्प है, नोजिया, वीकनेस, डिजीनेस, तो ये सब है तो तुरंत रिपोर्ट करना है, ठीक है, और ठीक है, तो ये सब इसके नर्सिंग एक्शन हो गए। उसके बाद हाइड्रोक्लोरोथाइजिन देखते हैं, हाइड्रोक्लोरोथाइजिन की एक डायुरेटिक्स होती है, जो कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, डिस्टल ट्यूबल्स बाय इंक्रीजिंग एक्सक्रीशन ऑफ वाटर, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, ठीक है, तो डिस्टल जो ट्यूबल्स होती हैं उन पे एक्ट करती है ये हाइड्रोक्लोरोथाइजिन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम का एक्सक्रीशन इंक्रीज होता है, ठीक है, इट इज़ यूज इन एडिमा एंड हाइपोटेंशन में इसका यूज होता है, ठीक है, और डिस्टल ट्यूबल्स से आप समझ गए ना, नेफ्रॉन के डिस्टल ट्यूबल्स, डोज की क्या होती है, पर ओरल इसको देते हैं 25-100 mg पर डे इसको देते हैं, ठीक है, साइड इफेक्ट इसके क्या होते हैं, पोलीयूरिया, लाइकोजूरिया हो सकता है, फ्रीक्वेंसी यूरिनेशन हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया हो सकता है, रेसेस हो सकते हैं, यूर्टिकेरियल हो सकता है, फीवर हो सकता है, ठीक है, और इंक्रीज क्रिएटिनिन ये देखने को मिल सकता है, और डिक्रीज इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी डिक्रीज हो सकते हैं, ठीक है, तो इसका जो नर्सिंग एक्शन है, ठीक है, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या क्या देखते हैं हम, कि सबसे पहले तो असेस करते हैं पेशेंट का वेट, असेस करते हैं डेली, उसका इनटेक आउटपुट चेक करते हैं, ठीक है, कि कितना फ्लूड लॉस हो रहा है, ठीक है, और रेस्पिरेटरी रेट, रिदम, डेप्थ देखते हैं, पेशेंट की जो बीपी है वो चेक करते हैं, लाइंग और स्टैंडिंग पोजिशन दोनों में, और इलेक्ट्रोलाइट्स देखते हैं, पोटेशियम, सोडियम क्लोराइड का लेवल देखते हैं उसका ब्लड में, और कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकते हैं, जैसे ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, ब्लड शुगर, सीबीसी, सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड पीएच, एबीजी वगैरह देख सकते हैं, ठीक है, और इसको भी रात के टाइम पे एडमिनिस्टर नहीं करते हैं, इसको भी दिन के टाइम में एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है,
लॉस हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद में इवैल्यूएट करते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ एडिमा, एडिमा का इम्प्रूवमेंट है कि नहीं है, ठीक है, वो इवैल्यूएट करते हैं, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो नहीं हो रहा है, उसके साइन देखते हैं, ड्राउजीनेस या रेस्टलेसनेस, ठीक है, साइन ऑफ हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम की कमी तो नहीं हो रही ब्लड में, तो उसके साइन देखते हैं, पोस्टुरल हाइपोटेंशन देखते हैं, लीस, फैटिक, टेकिकार्डिया, लेग क्रैम्प्स, वीकनेस, तो ये सब हम असेस करते हैं, और इसके साथ साथ रेशियस और टेम्परेचर भी हम देखते हैं पेशेंट का। उसके बाद में उसके पेशेंट और फैमिली को कुछ एजुकेशन देते हैं, जैसे कि अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो वो फ्लूड इनटेक इंक्रीज करें अपना 2-3 लीटर पर डे, ठीक है, अगर कोई मसल्स वीकनेस, क्रैम्प, नोजिया, वोमिटिंग या डिजीनेस की कोई साइन आ रहे हैं, उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, तो तुरंत फिजिशियन को इन्फॉर्म करें, ठीक है, और ये ड्रग्स को फूड और मिल्क दोनों के साथ लिया जा सकता है, ठीक है।